हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल आईएफसी नॉलेज की एकदम लेटेस्ट वीडियो में। और दोस्तों अभी अभी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट निकल कर आ रही है मोदी सरकार के अंतर्गत। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 से पहले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग देख सकते हैं दोस्तों, नए वित्त वर्ष के पहले दिन इतनी महंगी हुई रसोई गैस, विमान ईंधन भी हो गया महंगा। जी हाँ दोस्तों, तो कितनी महंगी हो गई है एलपीजी गैस सिलेंडर, यह सब कुछ जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर आपके और हमारे घर में, सबके घर में होता है और हर किसी को जरूरत होती है। दोस्तों आज नहीं तो कल आपका एलपीजी गैस सिलेंडर खत्म होगा, इस महीने के अंत में खत्म हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि आने वाला गैस सिलेंडर आपको कितने रुपए में मिलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले हैं कि एलपीजी गैस सिलेंडर के दाम में कितनी बढ़ोतरी की गई है भारत सरकार की ओर से। तो दोस्तों बने रहे हमारी वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो नीचे आपको एक लाल बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों उसके बगल में एक छोटा सा रन्ना सा प्यारा सा बेल आइकन होगा, वह भी दबा लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यही आपके द्वारा दिया हुआ हमारी मेहनत का तोहफा है। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर पर कितने रुपए बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देता हूं, यह एक वेबसाइट है myLPG.in। जी हां दोस्तों, यह भारत सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहां पर आपको आपके गैस सिलेंडर से संबंधित सारी जानकारियां उपलब्ध हो जाएगी। चाहे दोस्तों आपका गैस सिलेंडर भारत गैस का हो, एचपी गैस का हो या फिर इंडियन का हो, किसी भी गैस कंपनी का आपका गैस हो, यहां पर सिर्फ आपको अपना कंज्यूमर नंबर लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहां से आप हर तरह की जानकारी ले सकते हैं। यहां पर जैसे कि आप ले सकते हैं कि आपने ऑनलाइन फॉर्म या फिर आप ट्रांसफर करना चाहते हैं कहीं, तो वहां का फॉर्म आपको यहां मिल जाएगा। आपने सब्सिडी के कितने गैस सिलेंडर बुक कर लिए हैं वो जानकारी यहां से मिल जाएगी। आपकी सब्सिडी आपके खाते में आ रही है, कौन से खाते में आ रही है, वो भी जानकारी आपको यहां मिल जाएगी। यानी कि दोस्तों आपके एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित सारी की सारी जानकारियां यहां पर एक वेबसाइट के रूप में उपलब्ध है। तो दोस्तों सीधे चलते हैं हमारी आज की प्रमुख ब्रेकिंग न्यूज पर। तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं 1 अप्रैल से विमान ईंधन के भाव में 1% की वृद्धि कर दी गई है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में वृद्धि के बाद लगातार दूसरे महीने विमान ईंधन महंगा हुआ है। यानी कि दोस्तों इससे पहले भी विमान ईंधन महंगा हुआ था। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों की मूल्य के बारे में जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली में ATF की दर में 1.07% यानी कि 677.1 रुपए प्रति किलोलीटर की वृद्धि की गई है। जी हाँ दोस्तों, नई दर बढ़कर अब 63,472.22 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। इससे पहले दोस्तों मार्च को ATF का मूल्य 8.1% यानी कि दोस्तों 4,734.15 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिया गया था। वहीं दोस्तों दूसरी ओर इसी के साथ बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 5 रुपए बढ़ा दिए गए हैं और अब यह दाम 706.50 रुपए प्रति सिलेंडर हो गए हैं। यानी कि दोस्तों अब आपको बिना सब्सिडी वाला एक सिलेंडर 706.50 रुपए प्रति सिलेंडर के भाव में मिलेगा। दोस्तों यह एक माह के अंतर पर एलपीजी की दर में दूसरी वृद्धि है। 1 मार्च को इसमें 42.5 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई थी। तो दोस्तों यह थी कुछ जरूरी अपडेट आपके एलपीजी गैस सिलेंडर से संबंधित। दोस्तों आप कौन सी कंपनी का गैस सिलेंडर यूज करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।